T20 में मुझे किसी ने ज़्यादातर देखा नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि इंशाल्लाह जब भी टीम को ज़रूरत होगी और मौका मिलेगा तो अच्छी परफॉर्म करूँगा। और जितनी मैंने मेहनत की हुई है और मुझे लगता है कि मैं T20 में अच्छा कर सकता हूँ। नसीम शाह की धार और रफ्तार को देखकर जब इन्हें ऑस्ट्रेलिया टेस्ट टीम में डाला गया तो उसके बाद से लेकर अब तक सब उन्हें टेस्ट बॉलर ही समझ रहे थे, मगर नसीम शाह मुतअद्दिद बार कह चुके कि वो T20 में ज्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं, मगर किसी ने नहीं सुनी और भारत के खिलाफ डेब्यू मैच में उन्होंने ये साबित कर दिखाया। कुछ अर्सा पहले एक इंटरव्यू में नसीम शाह ने T20 में खेलने की ख्वाहिश जाहिर की थी, आइए हम आपको वो इंटरव्यू सुनाते हैं। T20 में मुझे किसी ने ज्यादातर देखा नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि इंशाल्लाह जब भी टीम को ज़रूरत होगी और मौका मिलेगा तो अच्छी परफॉर्म करूंगा, और ये मेरे लिए एक अच्छा मौका है PSL की, इसमें मैं अच्छी परफॉर्म करूं और टीम में जगह। आप समझते हैं टेस्ट से ज़्यादा खतरनाक आप T20 में, क्योंकि जितना पेस है बाउंस है आपकी बॉल में, आप ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं उसमें? नहीं बिल्कुल, उसकी ये वजह है कि मैं T20 बहुत कम खेला हूँ, लास्ट PSL मेरा मिस हुआ है, मैं नेशनल T20 खेला हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से मैं 100% मतलब अपने ऊपर बिलीव रखता हूँ, अल्लाह पे बिलीव रखता हूँ कि जितनी मैंने मेहनत की हुई है और मुझे लगता है कि मैं T20 में अच्छा कर सकता हूँ, और जब भी टीम को ज़रूरत होगी मेरी तो इंशाल्लाह मैं खेलूँगा और अच्छी करूँगा। लास्ट क्वेश्चन, कितना होप है कि वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा होंगे T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड का? नहीं इंशाल्लाह बस यही है, इतना मतलब इतना लंबा नहीं सोच सकते, बस यही सोच सकते हैं अभी मेरे पास PSL है और PSL में मुझे जो भी मैच मिलेगा मैं उसको एज अ मैच कोशिश करूँगा, उसमें अच्छी परफॉर्मेंस करूँ तो इंशाल्लाह बेस्ट चांस मिलेगा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।